हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार सिपाही 2000 भर्ती से संबंधित आप लोगों के सवाल जवाब और हर एक डाउट्स का यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में जैसे कि आपको पता होगा, बहुत से कैंडिडेट का कहना था कि सर हमारे बिहार पुलिस एग्जाम में ना तो मार्क्स बताए जाते हैं, ना तो ये बताया जाता है कि आखिरकार आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो क्या सॉल्यूशन है जिसके तहत हम हर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने बोला था आप आरटीआई लगा सकते हैं, इसका रिस्पांस आपको 30 डेज के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, बहुत से कैंडिडेट ने आरटीआई लगाया बाकायदा, बहुत सौ का मैं फिल भी कर चुका हूँ। अभी भी मेरे पास बहुत से एप्लीकेशन आते हैं, सर मेरा आरटीआई लगा दीजिए। तो दोस्तों लास्ट डेट में जो मेरे पास आए थे उनका फिल हो गया है और अभी प्रेजेंट में जो लोगों ने किया है उनका भी शाम तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उन कैंडिडेट के नाम बताऊंगा जिन लोगों का आरटीआई लग गया है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर बताऊंगा। देन इसके बाद मेरे पास बहुत से कमेंट देखने को मिलते हैं क्या कि सर अभी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल होने वाला था, मतलब बहुत ही फास्ट हो रहा था, इसका क्या रीजन है जिसकी वजह से फिजिकल रुक गया है, क्या रिजल्ट रद्द हो गया है क्या? ऐसे कमेंट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपको इसके भी मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। जैसे कि आपको पता होगा बिहार होमगार्ड की तरफ से हाई कोर्ट में दोस्तों आप लोगों का एक्शन लिया गया है इस भर्ती के खिलाफ, उसकी अपडेट कुछ आई है कि नहीं आई है उसके बारे में बहुत ज्यादा कमेंट्स दोस्तों को देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम वन बाय वन करके हर एक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है क्या कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, साइड में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसको भी दबा लें। इससे क्या होगा, इससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिल जाएगी। और दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर कर दें यदि वीडियो आ रही हो पसंद तब, ओके, और अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक चीज को। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैंडिडेट के नाम बताने वाला हूँ जिनका अभी हाल ही के दिन में मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, सक्सेसफुली इनका आईटीआई हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिट्टू जी हैं, चलिए मेरे को लगता है इनका मैंने ऑलरेडी बता दिया है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बिट्टू जी का यदि आप चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। बहुत से कैंडिडेट क्या होते हैं करने के बाद भी बोलते हैं सर मेरा नहीं हुआ, तो आप नोट कर लें BI 2020 55771। ये आपका क्या है, आपका है एप्लीकेशन नंबर। आप इसके द्वारा आपकी आईटीआई का स्टेटस चेक कर सकते हैं, मतलब क्या पोजिशन चल रही है, रिप्लाई आया कि नहीं आया, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो जैसे दोस्तों हम आगे आए तो यहाँ पर नाम निकल के आता है किसका, प्रभात सैनी। जी हाँ दोस्तों, प्रभात सैनी जी जिनका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेमेंट रिसीप्ट है, सक्सेसफुली इन लोगों का पेमेंट हो गया था। और आप बात करते हैं प्रभात सैनी जी की, तो यहाँ पर इनका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है BI 2020 55905। ये है क्या आपका, ये है एप्लीकेशन नंबर। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर चाहे दोस्तों तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो नंबर है जिसके द्वारा आपको आईटीआई का रिप्लाई मिलेगा, आप चेक कर पाएंगे। चलिए आपको बताता हूँ जरा आपने क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल की है वो। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर सेक्शन है इन्फॉर्मेशन शूट आउट, मतलब कि आपकी जो जानकारी है वो क्या आपने पूछी है, क्या आपने भरा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सर दिस साइड इज नॉट अपडेट फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पे सो आई एम नॉट गेटिंग द राइट चॉइस ऑफ माई विलेज एंड सिटी बिकॉज ऑब्वियस आई हैड टू चूज द रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज माई विलेज एंड सिटी। दोस्तों क्या प्रॉब्लम्स जाती है, ये साइट बहुत टाइम से अपडेट नहीं हुई। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का ब्लॉक, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट एंड आप लोगों का क्या, आप लोगों का स्टेट तो बाकायदा वहाँ पे मैच करता है, पिन भी मैच कर जाता है, बट दोस्तों विलेज और सिटी यहाँ पर मैच नहीं करता, क्योंकि यह अपडेट नहीं हुआ तो गलत ऑप्शन वहाँ पर आते हैं और हमको उन्हीं में से चूज करना रहता है। आप दोस्तों इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर हम नोट डाल देते हैं कि यहाँ पर ये मेरा एड्रेस है और ये मेरा सिटी विलेज है, ओके। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चूंकि आप लोगों का जो आरटीआई है वो आएगा आपके ईमेल आईडी पर, बस ईमेल आईडी आपकी करेक्ट होनी चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाह रहे हैं वो सवाल होनी चाहिए, एंड इसके साथ साथ आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एग्जाम डेट वगैरह जो कुछ आपने भरा है वो सही होना चाहिए। आप देखते हैं सर क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में, सर गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी नंबर्स वर रिसीव्ड इन माय बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20। तो दोस्तों जैसे कि कॉमनली सबका एक ही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, चूंकि यह सबका
क्वेश्चन है, यह सब कुछ जानना चाहते हैं कि मेरे मार्क्स आए तो कितने आए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता तो चलते ही नहीं है, आपके बिहार पुलिस एग्जाम में ऐसा कोई है ही नहीं, पारदर्शिता नाम की चीज ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का यह क्वेश्चन रहता है, सर मेरे मार्क्स आए हैं तो कितने, प्लीज मुझे बताइए। अब सेकेंड क्वेश्चन और है, सर बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20 हाउ मच इज द कैटेगरी वाइज कट ऑफ, प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन भी यही है कि सर मुझे ये बताइए बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल लिखित एग्जाम 2019-20 का प्रत्येक कैटेगरी का कट ऑफ किया गया है, प्लीज जानकारी दीजिए। आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, क्या सर गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट बाय माई सिलेक्शन वॉज नॉट डन इन बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20। तो दोस्तों आप लोगों का जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर कॉमन सा ही रहता है, क्या कि सर मुझे यह बताइए कि मेरा बिहार पुलिस लिखित एग्जाम 2019-20 में क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे इसका कारण बताइए। देन इसके बाद आपके यहाँ पर हेयर इज माई इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर, फादर्स नेम वगैरह वगैरह रहता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ क्या, ये हुआ आपके प्रभात सैनी जी का। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पर्सन का देखते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और यहाँ पर नाम निकल के आता है अभिषेक कुमार। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर मैं ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन सबकी कॉमन सी है इसलिए हम टाइम खराब नहीं करने वाले हमारा। आप नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर आपका नंबर नोट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर है BR2020559909, अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें, जैसा करना चाहें वैसा कर लें, आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, आप इसी के द्वारा अपना आरटीआई की रिप्लाई देख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे हम आगे आते हैं तो नाम निकल के आता है किसका, पिंटू कुमार। जी हाँ दोस्तों पिंटू कुमार जी ने भी बोला था सर मेरे को भी मेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनकी भी वही सेम इन्फॉर्मेशन है, कट ऑफ किया गया, मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे मार्क्स कितने आए हैं, ये तीनों क्वेश्चन इनके भी हैं। ओके तो मैंने बाकायदा इनका भी लिखा है और आपका जो विलेज सिटी मैच नहीं हो रहा था तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नोट डाल दिया है। अब फ्रेंड्स ये तो हुए वो कैंडिडेट जिन लोगों ने आरटीआई लगवाया था कि सर मेरे को मेरे मार्क्स चेक करने हैं, प्लीज आरटीआई लगा दीजिए। तो दोस्तों मैंने बाकायदा हर किसी का आरटीआई लगा दिया है, अब रिप्लाई आना उनके ऊपर डिपेंड रहता है कितने दिन में दें। हालांकि नियम रहता है आरटीआई का कि 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को रिप्लाई दे दिया जाएगा, बट फिर भी ये बिहार है, बिहार का हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों का 30 दिन के अंदर आ रहा है या फिर थोड़ा और टाइम ले रहा है। यदि दोस्तों नहीं आ रहा है तो बाई चांस आपको फर्स्ट अपील करनी रहती है, उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो, 30 डेज होने दो। फर्स्ट अपील में नहीं आ रहा है तो दोस्तों थर्ड अपील रहता, सेकंड अपील रहता है जिसमें आप अपना केस मतलब कि अपनी इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहां पे लगाना चाहे वहां पर लगा सकते हैं थर्ड अपील सेकंड अपील के तहत। ओके फ्रेंड्स फिर तो उनको देनी ही देनी रहती है इन्फॉर्मेशन एनी हाउ किसी भी कंडीशन में, लेकिन अभी आप वेट करिए जब तक कि आपका आ नहीं रहा, 30 डेज नहीं हो रहा जब तक, है ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आरपीआई पेंसिलरी वालों का मैंने आरटीआई लगाया था, उन लोगों का किसी का 2 दिन में आ गया, किसी का 8 दिन में आ गया, बट आप बिहार वाले हैं तो बिहार में क्या जाने क्यों ऐसा होता है, आप लोगों का आरटीआई का थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके तो फ्रेंड्स ये तो हुआ क्या कि सर जो जो कैंडिडेट थे उनका मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। यदि आप भी चाहते हैं सर मेरे को भी मेरे मार्क्स चेक करना है, मेरे को कट ऑफ जानना है, मेरे को भी जानना है मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो आप इसके लिए यहाँ पर कॉर्नर में एक वीडियो आ रही होगी कि आप कैसे फिल करेंगे आरटीआई के लिए, तो आप वो वाली देख लें या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दी होगी आरटीआई रजिस्ट्रेशन लिंक, उस पर आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दीजिए, आपका बाकायदा आरटीआई लगा दिया जाएगा। आप दोस्तों बात करते हैं, क्या मेरे पास कमेंट आ रहा है सर हम लोगों का जो फिजिकल हो रहा था वो क्यों कैंसिल हुआ, इसका क्या रीजन है, इसके पीछे क्या है। लेकिन ये फ्रेंड्स एक और गर्ल्स रह गई थी, इनका नाम मैं बता दूं आपको, पुष्पा कुमारी है। ओके पुष्पा कुमारी जी आपका भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना नोट कर लीजिए, हालांकि आप ना तो बिहार से बिलोंग करते हैं, आपका प्रेजेंट एड्रेस आपने दिल्ली दिया है। ओके बट मेरे को यहाँ पर आपकी साइड एब्सेक्ट ही नहीं करती बिहार के अलावा, तो बिहार ही डालना पड़ा और मैंने नोट में भी आपका एड्रेस बाकायदा राइट दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं BR2020559973 आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आप नोट कर लें या फिर स्क्रीन शॉट ले लें जो कुछ आपको सुटेबल रहे। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों के जो डाउट्स में क्वेश्चन आ रहे थे उनके रिप्लाई देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों का ये कहना था, सवाल था क्या फिजिकल क्यों नहीं हो रहा, तो दोस्तों फिजिकल क्यों नहीं हो रहा, रद्द क्यों हो गया है, तो दोस्तों आपको बता दें अभी वर्तमान की पोजिशन के हिसाब से यहाँ पर एकमात्र एक कारण बताया जा रहा है, आप लोगों का जो फिजिकल है वो कोरोना की वजह से ही लेट हो रहा है,
कोरोना के केस पर डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो दोस्तों इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। लेकिन दोस्तों इससे आपका ही भला होने वाला है, जो कैंडिडेट चाहते हैं कि उनका रिजल्ट फिर से आना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही डिले होता है, आप लोगों का आरटीआई का रिप्लाई आता है, तो दोस्तों और जैसे ही वो केस फाइल हुआ है हाई कोर्ट में, तो दोस्तों उसका भी जो डिसीजन आता है, यहाँ पर सहयोग अच्छा बन रहा है। ओके, यदि आपके फेवर में जा रही बात तो ये फिर अच्छा ही कह सकते हैं। लेकिन यदि आप फिजिकल वाले हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है सब कुछ, तो आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपको तो फिजिकल देना ही देना है। आप यहाँ पर अभी दिमाग ना लगाएं। एक उन कैंडिडेट के लिए जो चाहते हैं कि रिजल्ट रद्द हो, तो वो हाँ, उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं आएगा, तो आप लोगों को टाइम मिल सकता है। आप लोगों का जो डिसीजन है वो आ सकता है हाई कोर्ट से, आपका फिजिकल भी नहीं होगा, एंड इसके साथ साथ आप लोगों के जो आरटीआई के रिप्लाई आ रहे हैं, यदि कोई कैंडिडेट एक्शन लेना भी चाह रहा है, तो वो प्रूफ के तौर पर वो रख सकता है वो सारी चीजें। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट रद्द हो गया, तो दोस्तों रिजल्ट रद्द हो गया ऐसा कुछ नहीं है, अभी प्रेजेंट में कोई रिजल्ट रद्द नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना को देखते हुए यहाँ पर फिजिकल टला है। जैसे हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आता है, मैं आपको बाकायदा रूबरू कराऊंगा, लेकिन मेरे को अभी कोई अपडेट्स नहीं मिली। बहुत से कमेंट देखे जा रहे हैं कि सर क्या हो रहा है, अभी तक कुछ अपडेट आई कि नहीं, तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में जैसे कि मैंने बोला था, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं होता, हफ्तों और महीनों भी लग जाते हैं, तो आप अभी वेट करें, जैसे कुछ आएगा तो मैं आपको बाकायदा हर एक जानकारी दूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ओके, टेक केयर।